गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम का सत्यापन और गॉस थ्योरम के हेल्प से कूलम के नियम का सत्यापन पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इसमें हम चार अनुप्रयोग पढ़ेंगे और चार में से एक अनुप्रयोग लगभग पेपर में पूछा ही जाता है। 80% चांसेस है कि जो हम ये चार अनुप्रयोग पढ़ेंगे इसमें से एक पेपर में आए। तो नंबर वन हम पढ़ते हैं, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है और उसमें आवेश समान रूप से वितरित है, यानी कि तार के प्रत्येक भाग पर, प्रत्येक एरिया पर आवेश की मात्रा समान है। उसके निकट किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यदि हम डायग्राम समझ लेंगे तो हमें पूरा टॉपिक लगभग समझ में आ जाएगा। तो नंबर हम वन हम पहले मानते हैं कि हमारा ये जो ब्लैक लाइन से मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये एक अनंत लंबाई का तार है जिस पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। अब इस तार के निकट एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, एक अनंत लंबाई का तार है, इसके निकट एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो जब हम गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो गाउसी पृष्ठ का आकार एक बेलनाकार होगा। ठीक है, तार से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे और उस गाउसी पृष्ठ का आकार लगभग कैसा होगा, बेलनाकार होगा। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि बेलन के तीन भाग होते हैं, तीन पृष्ठ होते हैं। कैसे, अब ये पैन भी अगर हम इमेजिन करें तो एक बेलनाकार है, इसके तीन पृष्ठ हैं। नंबर वन, ये पूरा जो गोल पृष्ठ जा रहा है ये पहला पृष्ठ हो गया, एक ये वाला पृष्ठ टू हो गया और ये वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं, तीन पृष्ठ होते हैं। तो पहला पृष्ठ हमने यहाँ पर मान लिया बिंदु पी पर, एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया डेल्टा एस। अब यहाँ पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ। और यहाँ पर जो हमारा अल्पांश क्षेत्रफल डीएस है, इसका इसके क्षेत्र वैक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, बाहर की तरफ। यानी ए और डीएस क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ पर भी हमने एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल डीएस ले लिया है। अब यहाँ पर यदि हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखेंगे तो ये डायरेक्शन क्या होगी, जहां पहले थी इस दिशा में होगी, लेकिन यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल डीएस का जो क्षेत्र वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। तो जब हम ये दोनों यानी क्या है, एक दूसरे पर लंबवत है। इसी प्रकार तीसरे पृष्ठ पर भी हम एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल मान लेते हैं, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन का है, जहाँ पहले थी बाहर की तरफ, और जो हमारा अल्पांश क्षेत्रफल डीएस है वहाँ पे क्षेत्र वेक्टर की डायरेक्शन का होगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ई और डीएस क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ पर ई डीएस सेम डायरेक्शन पर है, यहाँ पर भी लंबवत है, यहाँ पर भी लंबवत है। अब फिजिक्स में क्या होता है, यदि हमने डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो पूरा टॉपिक हमारे लिए क्लियर है। अब एक बार पढ़ लेते हैं। माना अनंत लंबाई का एक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। लास्ट टॉपिक हमने क्लास में पढ़ रखा है रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी तार के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो तार के निकट आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गाउसी पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारे बेलन की ऊंचाई है वो है L।
ये बेलन की ऊंचाई क्या है, एल है, और इस बेलन से बद्ध आवेश क्या है, क्यू है। तो गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाइ बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय से फाइ बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, हमने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल लैम्डा के साथ चला जाएगा, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा एल। तो यहाँ पर हम क्यू की जगह पे अब क्या रख सकते हैं, लैम्डा एल। तो क्यू की जगह पे हमने क्या रख दिया, लैम्डा एल। अब फाई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इंटीग्रेशन वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस क्यू। वैद्युत फ्लक्स के नियम में हमने पढ़ा है, फाई की जगह पर आ गया इंटीग्रेशन वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज मैंने रिपीट किया है। अब चूंकि हमारे बेलन के कितने पृष्ठ हैं, तीन पृष्ठ हैं, तो हम इसको तीन भागों में लिखेंगे, इंट्रीगेशन फर्स्ट पार्ट वेक्टर ई डॉट डी एस प्लस इंट्रीगेशन सेकेंड पार्ट वेक्टर ई डॉट डी एस प्लस इंट्रीगेशन थर्ड पार्ट वेक्टर ई डॉट डी एस और लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीन पृष्ठ के लिए हमने इसको तीन भागों में लिख लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करते हैं इस वेक्टर फॉर्म को ओपन कर देते हैं। जब हम वेक्टर फॉर्म ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का पढ़ चुके हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर थीटा हमें देखना है पृष्ठ के अकॉर्डिंग। पहले पृष्ठ पर हमारा थीटा कितना है, जीरो डिग्री, क्योंकि ई और डी एस क्या है, सेम डायरेक्शन में। सेकंड में क्या है, ई और डी एस एक दूसरे पर लंबवत है, यानी कि यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री। और थर्ड में भी क्या है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत है, तो यहाँ पर भी थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। तो हमने पहले पृष्ठ में कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, दूसरे पृष्ठ में 90 डिग्री, और थर्ड में क्या है, 90 डिग्री। तो हमने वैल्यू रख दी थीटा की। अब हमें पता है कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होती है। तो ये कॉस 90 की जगह यदि हम 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर भी कॉस 90 की जगह हम 0 रखेंगे तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर भी 0 आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया, 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डी एस कॉस 0 बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या किया, कॉस 0 की वैल्यू रख दी 1, तो क्या हो जाएगा, ई डी एस इंटीग्रेशन ई डी एस बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करना है, ई हमारा बाहर आ जाएगा और डी एस का क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो ई बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन डी एस बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने आपको पहले भी बताया है यहाँ पर डी एस का इंटीग्रेशन किस आधार पर होगा, कि हमारा पृष्ठ कैसा है। इससे पहले हमारा पृष्ठ कैसा था, गोलीय था, तब हमने क्या लिया था, 4πr². अब यहाँ पर हमारा पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr। तो जब ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2πr। तो क्या हो जाएगा, e इस पूरे की जगह पर 2πr बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, 2πr को नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पर एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस पूरे को हमने नीचे भेजा तो एल से एल कैंसिल हो गया। अब इस पूरे को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा, एक अनंत लंबाई के तार के निकट किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। और इस टॉपिक को आप लोग अभी से, जितना हमारे पास टाइम है, जितना आप लोगों को इस लॉकडाउन में टाइम मिल रहा है, आप हर टॉपिक का रिविजन करते जाइए, क्योंकि फिजिक्स में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में पूछे भी जाते हैं। और इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, और इसके अलावा अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति टॉपिक को भी ज़रूर पढ़िएगा। और थोड़े आप लोगों के बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं।
पढ़ लीजिए, फ्यूचर खराब मत करिए अपना।